आसमान से बरसती आग से उत्तर भारत अब उबलने लगा है। नौतपा का कहर बरकरार है। मंगलवार को राजस्थान का चुरू में देश में सबसे ज्यादा 50.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले राजस्थान का फलोदी लगातार 3 दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा था। मंगलवार को राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 12 राज्यों की 78 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। सोमवार को देश के 10 राज्यों में 75 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा था। प्रयागराज में कल 48.2 डिग्री तापमान रहा। 30 साल पहले 1994 में यहां 48.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की अलग अलग जगहों पर भी हीट वेव चलने की संभावना है। दूसरी ओर विमल तूफान के चलते पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 29 मई से 1 जून के बीच बहुत तेज बारिश होने की भी संभावना है। यहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दैट इज बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव 2 दिनों के लिए दे रखा है और उसके बाद डे 3 में वहां हीट वेव है और साथ में उसके साथ वार्म नाइट है। वार्म नाइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। वार्म नाइट का मीनिंग क्या है कि दिन के टेम्परेचर भी ज्यादा हैं और रात के टेम्परेचर भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां भी हमारा 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन डे 3 के बाद वहां जैसे ही मॉइस्चर बे बंगाल से आएगा, इवन उत्तर प्रदेश में बे बंगाल से मॉइस्चर आएगा, वो ग्रेजुअली जो कंडीशंस है इम्प्रूव। देखिए, ज्यादातर इसका जो प्रभाव रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में वो वेस्टर्न हिमालय रीजन ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी भी थोड़ा बहुत रेनफॉल हो रहा है, उसका कारण ये भी है कि ब्यो बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं तो उसके कारण भी हो रही है और WD का इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा में कहीं ना कहीं छोटा मोटा लाइट रेनफॉल, आइसोलेटेड टाइप रेन। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता रेहान वापसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेहान, लगातार नौतपा का दौर जारी है और कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। अगर यूपी की बात कर ले तो यूपी में किस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? जी, अगर यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और जो उत्तर प्रदेश वासी उनको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नौतपा चल रहा है, नौतपा के दौरान हाई अलर्ट जारी किया गया है कि 9 दिन तक लगातार ऐसे ही गर्मी पड़ती रहेगी। और अभी हाल ही में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया था कि इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। वहीं रेहान, अगर बात करें तो कई सालों के रिकॉर्ड भी टूटते हुए इस बार नजर आ रहे हैं, चाहे झांसी की बात करें या आगरा की। लगातार बीते दिनों में देखा गया कि तापमान में वृद्धि ही होती जा रही है। क्या लगता है लोगों को किस तरीके का राहत मिल सकती है, लोगों को सतर्क करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आंकड़ों की बात करें तो मौसम विभाग ने जो आंकड़ा जारी किया है, चाहे झांसी की बात करें या आगरा की बात करें, तो 1892 से जो 1892 में जो मौसम विभाग ने दर्ज किया था वही गर्मी इस टाइम पड़ रही है। और अगर आगरा की रिकॉर्ड की बात करें तो 1884 में जो रिकॉर्ड हुआ था वही गर्मी इस टाइम पड़ रही है, चाहे वाराणसी की बात करें, लखनऊ की बात करें। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने बहुत ही सक्रिय रहने को कहा है कि रात धूप पे ना निकलें, जरूरी काम हो तो निकलें और अपना ध्यान रखें। और डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने भी कहा है कि जो बच्चे और जो बूढ़े हैं वो 12 बजे से 3 बजे तक घर से ना निकलें। वहीं रेहान, अगर स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से सबसे पहले स्कूल के लिए ऑर्डर जारी किए जाते हैं। अभी बिल्कुल, अगर बात करें भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है लगातार, जो चाहे नर्सरी की बात करें या 11th 12th की बात करें तो स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हो गई। ठीक है रेहान, जिस तरीके से हमने देखा है कि कुछ मजदूर वर्ग के लोग भी होते हैं और लगातार लखनऊ की अगर बात कर ले तो वहाँ पानी का छिड़काव भी सरकार की ओर से कराया जाता है, इस बार किस तरीके की स्थिति है, सरकार क्या कुछ अहम कदम उठाती हुई नजर आ रही है? जी, बिल्कुल, भीषण गर्मी को देखते हुए कल ही नगर आयुक्त ने आदेश दे दिया है कि जगह जगह चौराहों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए और जो राहगीर है, जो रोड पे भी पेयजल लगाया जाए, जो राहगीर है उनको आने जाने में धूप को देखते हुए उनको कोई दिक्कत ना हो। और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको उनको हेलमेट दिया गया है, उनके लिए कैनोपी लगाई गई है। जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को देखिए सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि भीषण गर्मी में जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरा ट्रैफिक चलाता है, तो उनके लिए भी अलग से नगर निगम हो या प्रशासन हो व्यवस्थाएं कर रहा है सुचारू रूप से।
वहीं रेहान अगर बात करें तो नौतपा के दौर में 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने के आसार जताए जाते हैं। क्या लगता है लोगों को राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो तापमान है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान की अगर बात करें तो पर डे 48-49 तापमान जा रहा है, और अगर अगर लोगों को राहत मिलेगी तो अगर कुछ बारिश होती है या अभी आने वाली समय में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अब बारिश होगी तभी लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, उससे पहले नौतपा के चलते हुए गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी, बस लोगों को अपना राहत और बचाव करने की जरूरत है। ठीक है रेहान वासी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, जहां लोगों को गर्मी की वजह से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और लगातार तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और IMD की ओर से हीट वेव का रेड अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया है।